मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ महाकाल मंदिर में की पूजन अर्चन। मीडिया से चर्चा में कहा, कांग्रेस द्वारा पनौती शब्द का इस्तेमाल करना ये बताता है कि उनकी बुद्धि मारी गई है, वे अंधे हो गए हैं। राहुल गांधी को बताया राष्ट्र शर्म। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कहा, सभी राज्यों में भाजपा को भारी सफलता मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार रात्रि को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे। इससे पहले वे यहां के अति प्राचीन शक्तिपीठ माता हर सिद्धि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे नंदी हाल में बैठे, जहां उन्होंने शिव आराधना की। इस दौरान पंडित पुजारी ने मंत्र उच्चारण किए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि महाकाल महाराज की शरण में आने का उन्हें सौभाग्य मिला है। उनकी स्वयं की इच्छा थी और बाबा महाकाल ने भी बुलाया है, इसलिए वे बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करने व आशीर्वाद लेने आए हैं। देश प्रदेश की जनता की सुख व कल्याण की कामना की है। उन्होंने कहा कि आज मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम फुलकित है। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो देश की प्रगति हुई है वे अकल्पनीय है व अद्भुत है। पूरा विश्वास है कि भाजपा को सभी राज्यों में भारी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही 2024 में मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र सरकार बनेगी। राजस्थान चुनाव में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर पनौती शब्द के इस्तेमाल पर कहा कि कांग्रेस की बुद्धि मारी गई है, वे अंधे हो गए हैं। क्रिकेट में भारत की हार पर जब पूरे देश की जनता की आंखों में आंसू थे, तब कांग्रेस ही खुशी में व्यंग्य कर रहे थे। राहुल गांधी का ये बयान देशद्रोह की सीमा तक का भाव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं। आज फिर सौभाग्य का दिन है कि महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला। कल राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त करके फिर मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो और उनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि सबका कल्याण लगातार जारी रहे। ये अद्भुत नगरी है और महाकाल महालोक की शोभा न्यारी है। मैंने कभी जी भर के महाकाल महालोक देख ही नहीं पाया। आज यहाँ से इच्छा हो रही कि मैं थोड़ी देर रुक के देखते हुए जाऊं और जगह जगह फोटो भी खिंचाऊं। आज मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम पुलकित है। बाबा का आशीर्वाद, माँ हर सिद्धि मैया का आशीर्वाद, मंगलनाथ जी का आशीर्वाद यही काम करने की नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, मानव जीवन का शुद्ध सदुपयोग हो, सफल और सार्थक हो और वो होता है लोगों की सेवा में, भारत माता के चरणों की सेवा में। इसी भाव से भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने देश को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण में हम सब भी यथाशक्ति अपना अपना योगदान देते हैं। एक बार बाबा के चरणों में प्रणाम और मध्य प्रदेश की जनता के चरणों में भी प्रणाम। सीएम साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप जब भी बाबा महाकाल के दरबार में आए भरपूर आशीर्वाद मिला है, इस बार क्या लग रहा है? यहाँ आके मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन जो लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और उनके नेतृत्व में जितनी प्रगति अपने देश की हुई है वो अकल्पनीय और अद्भुत है। मैंने पहले पढ़ा था बचपन में, भारतीय संस्कृति के 6 स्वर्णिम अध्याय। अगर स्वर्णिम अध्याय आज मैं कहूं सबसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति और विकास का, भारत के गौरवगान का और भारत को विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने का हो रहा है। और हम सबको ये अंदर से आत्मसंतोष है कि हम भी अपना उसमें योगदान दे पा रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता रहा है। कल राजस्थान में मतदान है, पनौती शब्द पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। अब तो पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार पे, लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अब ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है एक तरह से। देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए, मोदी जी ने समाज के हर वर्ग का और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए, और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट भाई चांस होता है, एक आध हार गया तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज को कैसे भुना लें मोदी विरोध में, तो ये अंधे हो गए हैं सचमुच में, राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी। सर एक सब आएंगी सर, एक सवाल।